मायोसिस डिवीजन सभी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। मायोसिस डिवीजन दो सेल साइकिल के द्वारा कंप्लीट होता है, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन और सेकंड मायोटिक डिवीजन। ये मायोसिस डिवीजन या मायोटिक डिवीजन गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जिनके फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हैप्लॉयड जो गैमेट्स बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट सेल का हाफ हो जाता है। मायोसिस डिवीजन का यही काम है, यही फंक्शन है कि वो गैमेट का फॉर्मेशन करे और क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करके हर हैप्लॉयड सेल में वो हाफ कर दे। एनिमल्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है और उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। फीमेल्स में ये सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी है, उसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथर्स हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल्स में फ्लावरिंग प्लांट्स में वो सेक्स ऑर्गन ओवरी है, जिसमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन होगा, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है ये फर्स्ट मायोटिक डिवीजन है, जिसमें डिप्लॉयड सेल जो है डिवाइड करता है, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है पेयर करते हैं। फिर ये जब फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेल्स में दो सेल है और ये अगर फीमेल है तो इसमें भी दो सेल आ जाएंगे। अब इन सेकेंडरी ओसाइट या मेल में इसको कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकंड मायोटिक डिवीजन के द्वारा फिर डिवाइड करेंगे और हर सेल फिर दो सेल में जाएगा, ये भी दो सेल बनाएगा, तो इससे दो पोलर बॉडी बन जाएंगी और इस सेल के डिवीजन से एक ओवम बनेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी, और मेल में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो दो स्पर्मेटिड बना देगी। पोलर बॉडीज जो हैं ये डिवीजन के बाद ये समाप्त हो जाती हैं, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, एक सिंगल फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में इतना पोर्शन तो नहीं है, मात्र ये पोर्शन है, तो आपको ये मात्र समझाने के लिए इसको बना दिया गया है कि कैसे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा और कैसे ये डिप्लॉयड सेल जो है मायोसिस के दो डिवीजन करेंगे, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करेंगे और सेकंड मायोटिक डिवीजन करेंगे। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे पेरेंट्स के, और सेकंड मायोटिक डिवीजन से ये जो सेल्स बनेंगे ये सिंपल माइटोसिस के द्वारा होंगे। तो सिंपल माइटोसिस में क्या होती है, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं, डॉटर सेल जो बनते हैं उनमें भी सेम क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं दो सेल में, और सेकंड मायोटिक डिवीजन में ये क्रोमोसोम्स जो है वो बीच से स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट होने के बाद इसके जो दो क्रोमेटिड्स बनेंगे या जो दो डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे, एक एक सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे सेल में जाएगा। उसी तरह से भी इस तरह से एक सेल से फोर सेल्स बनते हैं और फोर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हैप्लॉयड होते हैं।